वेलकम मिस्टर के, यहाँ तुम्हें इज्जत के साथ पैसा और प्यार दोनों मिलेगा, जो माइकल के बच्चे ने तुम्हें कभी नहीं दिया। थैंक यू सो मच मास्टर, माइकल ने मुझे कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, वो सिर्फ रेड निंजा पे ही भरोसा रखता है। कोई बात नहीं, हम उसको उसकी औकात दिखा देंगे। मैंने तो उसकी औकात उसको पहले ही दिखा दी, उसका $10 million का गोल्ड चुरा कर। बहुत बढ़िया मिस्टर के। Hey guys, welcome back to new video of GTA 5. So यार कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बढ़िया होंगे। So यार आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, बहुत सारे लोग ने पिछला वाला वीडियो देखा नहीं और ना ही लाइक किया है, तो यार जाके देख लो, फिर आपको स्टोरी समझ आएगी। So यार चलो, अगर आपको पता नहीं तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ, छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। So यार लास्ट एपिसोड में ना हमारे जो गैंग मेंबर है उनके लिए हमने न्यू डिज़ाइनर, मतलब जो आउटफिट होता है ना, कपड़े वगैरह, वो आपसे पूछा था कौन से परचेज वगैरह करना है, तो मैंने आपको बोला था कौन सा परचेज करना है, तो आज हम लोग करेंगे। और गाइस फिर ना गाइस क्या होता है आपको पता है, बालास और जो वेगस के बंदे हैं ना, वो अपने टीम में मिले हुए आधे लोग और अपना जो दुश्मन है, अपनी जो दुश्मन गैंग है लॉस MC भाई, उसका कमांडर आता है मेरे पास और वो कहता है कि जो आपके गैंग में जो नए लोग आए ना बालास के भाई, वो गद्दारी कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, वो एक्सपोज कर रहा था सारी चीज़ें। बट वो जैसे मेरे से बात कर रहा था ना, बालास के बंदों ने उस पर शूट कर दिया विदाउट मेरी परमिशन के, वो भी मेरे गैंग बेस में, और वो बेचारा मर जाता है एंड उसके फ्रेंड वगैरह चल जाते हैं। और यार वो बेचारा ना हमसे दोस्ती वगैरह करने आया था, फिर यार गाइस भाई बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाती है एंड भाई साहब बहुत गंदी वाली फाइट शुरू हो जाती है भाई, लॉस गैंग वाले हमारे बेस पे अटैक करवा देते हैं एंड भाई साहब बहुत वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। एंड गाइस फिर ना मुझे आपको याद है गाइस, फिर मुझे कॉल आती है प्रेसिडेंट की एंड प्रेसिडेंट कहता है कि यार देखो अपने जो लॉस सैंटोस में है ना यार, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है, मतलब एक प्लेन क्रैश हुआ है और एक बहुत बड़ा वाला ना गाइस हादसा हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और वहाँ पे ना कुछ चाइना के लोग ने अटैक वगैरह भी किया था हम लोग पे। तो यार आपको पता है हम लोग को ना ट्रेवर के लिए, ट्रेवर के अभी किडनैप है, हमें ट्रेवर को बचाना है कैसे भी करके, उसके लिए हमें चाहिए $1 billion और उसके लिए हम लोग ने बड़ी वाली चोरी की टाइटन सिक्योरिटी के साथ, और हमने वो चोरी की एंड खतरनाक वाली, और जो एक रिच मैन था ना उसको भी पकड़ लिया और उसके हल से हम लोग और ज़्यादा पैसे लेने वाले। तो यार पिछला वीडियो ज़रूर जाके देख लेना, अब चलते हैं अगले वीडियो में। सो यार गाइस अभी ना मैं प्ले बे मेंशन पे हूँ यार, मैंने ना प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था, मतलब वो चला गया, सारी सिक्योरिटी वगैरह उसकी आर्मी वगैरह आ चुकी है और अपना खेटी वह भी यहाँ पर ही था, आपको पता है प्ले बे मेंशन पे था ये, और अपनी गाइस खतरनाक वाली GTA। चल फटाफट से बैठ जाओ, और आज मुझे कैसे भी करके ना ट्रेवर को बचाना है, क्योंकि यार 4-5 दिन हो गए भाई उसको मैं बचा ही नहीं पा रहा हूँ यार, मतलब पैसे जमा ही नहीं हो रहे भाई 1 billion, और ऊपर से ना अपने सारा का सारा गोल्ड वगैरह सब कुछ चोरी हो गया यार। अब कैसे भी करके आज ना मुझे ट्रेवर की जान बचानी होगी, वरना वो कह रहा होगा यार कैसा दोस्त है भाई, मुझे बचाने के लिए तक नहीं आया यार, अब क्या करेंगे भाई, देश को भी संभालना है और अपने फ्रेंड को भी। तो यार अगर आप बताओ, अगर आपको देश को संभालना होता है या अपने फ्रेंड को संभालना होता है तो आप किसकी जान बचाते, मेरे को ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक, यार आप लाइक नहीं करते हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, तो जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेंगी। और गाइस अभी पता नहीं यार आप लोग को जाना है, और गाइस देखते हैं क्या सीन है, अभी मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया है फिर से, तो यार मुझे जाना होगा प्रेसिडेंट के पास और देखते हैं क्या काम है, उसने मुझे लोकेशन पे वगैरह पे बुलाया हुआ है, तो जाके ना फटाफट से गाइस देख ही लेते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के गाइस, मतलब समझ रहे हो यार, अभी ड्राइवर को भी बचाएंगे बट अभी
जाना है अपने को प्रेसिडेंट के पास। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं आर्मी बेस पे। यार हमको ना इधर बुलवाया है प्रेसिडेंट ने, पता नहीं कुछ काम है वगैरह, वो कह रहा है कि जल्द से जल्द ना इधर आ जाओ आर्मी बेस पे। अरे क्या हो गया, खोलो यार गेट यार परमिशन। अरे यार मैं माइकल हूँ यार, जानते नहीं हो क्या यार। चलो यार भाई, पूरा लॉस एंजेलस जानता है मुझे तो यार, मैंने कितने बड़े बड़े काम किए। चलो यार अपना फटाफट से, यार प्रेसिडेंट भी इधर आया, कह रहे हैं कि यार मैं ना इधर ही रहने वाला हूँ। हैंड भाई उसकी बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि लॉस एंजेलस में हो चुका है चाइना का अटैक। चाइनीज़ लोग ने अटैक कर दिया है भाई, यार क्या सीन है। चाइनीज़ लोग कहाँ से आके लॉस एंजेलस में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट चलो यार बातचीत वगैरह करते हैं और देखते हैं ना क्या सीन है। पता नहीं यार अब ये लोग कहाँ से आ गए ये लोग। अब देश को भी बचाना है गाइस एंड अपने फ्रेंड को भी। तो पहले बताओ यार आप लोग, देश पहले आता है या फ्रेंडशिप पहले आती है? यार बिल्कुल है ना भाई, हंस चुका हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी अपने पास $1 बिलियन है नहीं, क्या पता प्रेसिडेंट ही अपने फ्रेंड को छुड़वाने के लिए पैसे दे दे। चलो जो भी होगा देखा जाएगा आगे जाकर। यार कैटिवा चल तू भी उतर जा मेरे साथ। चल भाई कैटिवा भी यार खतरनाक है यार, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है ये कितना खतरनाक वाला कैट है। मतलब ओपी यार, फाइट वगैरह गाड़ी वगैरह सब कुछ चलवाता है। और ये देखो यार कितने सारे ना भाई टैंक वगैरह, और ये देखो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ रेडी है भाई, कभी भी अटैक हो सकता है। और प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं इधर से निकलने वाला तो हो नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट की बिल्कुल ये फट चुकी है, और सामने कमांडर वगैरह सब कुछ है, और उसका मैनेजर वगैरह भी है, और आर्मी का हेड भी है। तो चलो सब कुछ बात वगैरह करते हैं और आपको बताता हूँ क्या हुआ है। ऑल राइट गाइस, सारी की सारी बातचीत मैंने वगैरह कर दिए, और ये कह रहे हैं कि यार देखो हमारा जो ना बहुत सारे आर्मी के फोर्सेस थे वो गए हुए ढूंढने के लिए, बट उसमें से ना सारे तो वापस आ गए, बट एक आर्मी का यूनिट वापस नहीं आया। और एक जगह है, कुछ लोग घूमने के लिए भी गए थे वहाँ पर, बट वो लोग भी वापस नहीं आए। मतलब 40-50 लोग वो फॉरेस्ट माउंटेन में घूमने के लिए गए थे जंगल में, बट वो लोग ना अभी तक वापस नहीं आए। अब प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने तो वहाँ पे एक यूनिट पहले सेंड किया था बट वो भी वापस नहीं आया, और दूसरा भी सेंड किया था वो भी वापस नहीं आया। कमांडर कह रहा है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है लॉस एंजेलस में। यार इनका कहना है कि ये चाइना के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर उन पर ट्रैप वगैरह किया होगा और उनको होस्टेजेस बनवा के रख दिया होगा। अब प्रेसिडेंट कह रहा है कि अब तुम्हें कुछ कर सकते हो, अगर कर सकते तो करो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई कर देता हूँ, वरना यार समझ रहे हो ये सब मना तो नहीं कर सकते ना, अभी डायरेक्ट बोलेंगे उसको कि यार मैं नहीं कर सकता। सो यार अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी न्यूज़ वगैरह पे हम लोग आ जाएंगे अगर हमने बचा लिया ना इतने सारे हॉस्टेजेस को। बट कोई बात नहीं, ठीक है जितने भी हॉस्टेजेस होंगे भाई सबको बचा लेंगे। और अभी ये कह रहा है कि अभी यहाँ पर ना एक ट्रक वगैरह आएगा, तुमको उसके साथ जाना है और सब कुछ हैंडल वगैरह ना करना है। यार बिल्कुल ही हम लोग अब क्या बोले यार, ठीक है यार कोई बात नहीं कर लेंगे, और आज की आज ही हमें ट्रेवर की भी जान बचानी है, सो कोई बात नहीं। और मुझे टग्गर बॉस ने भी बोला था कि यार फटाफट से आ जाओ, पैसा वगैरह सब कुछ रेडी है। जो भी हमने एक अमीर बंदे को पकड़ा था ना भाई, उसको उससे हमने ब्लैकमेल करके और सारे उसके भाई से ना पैसे वगैरह मंगवा लिए, और गाइस वो पैसों से हम लोग अपने दोस्त ट्रेवर की जान बचाने वाले और बहुत कुछ करेंगे। तो आज पता नहीं यार क्या सीन है। और चलो यार मैंने ना कैटिवा को भेज दिया अपनी जीटी लेके, भाई चाय चलाता है ना कैटिवा ओपी यार। भाई GTFI में कैटिवा आ गया, मतलब कसम से अगर आपको पता है अपने को ये RSVPG के सिक्योरिटी ने गिफ्ट किया था अपना पेट। चलो यार ये तो आ गए, चलो यार फटाफट से ना बैठ जाते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के। और एक सेकेंड यार चिता तुम उतर जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो, वरना तुम चलाओगे भाई धीरे धीरे। देखा मैंने इतनी धीरे गाड़ी चला रहा है ये बंदा, भाई लग रहा है ना 10 दिन लग जाएंगे तुमको। यार ऐसी गाड़ी चलाऊंगे क्या? कितने धीरे गाड़ी चला रहे हो यार, मतलब कसम से ऐसे लग रहा है ना भाई। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये लोग कहाँ रहेंगे यार, तुम लोग बातें करते रहोगे यार, फटाफट से बैठ जाओ, इतने सारे टैंक वगैरह है। बट कोई बात नहीं गाइस, अब ये तो वार में यूज़ होगा, अभी लॉस एंजेलस थोड़ी ना पहाड़ वगैरह पे चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने ऑलरेडी गाइस 2-3 ना भाई यूनिट वगैरह सेंड किए थे वहाँ पर, बट वो अभी तक वापस नहीं आए। मतलब ना कोई कनेक्शन वगैरह कुछ हो रहा है और कुछ पता भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो यार अभी चाइना वाले आ चुके हैं, कोई बात नहीं। ये प्रेसिडेंट से कुछ हो नहीं रहा है भाई, सेफ्टी वगैरह क्या कर रहे हो यार तुम लोग,
क्या प्रेसिडेंट बनेगा यार तू, अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है और अपन लोग गाइस पार्टी भी ज्वाइन होने वाले, ठीक है ना। एक गुड न्यूज़ है, मुझे प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम ना मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लोगे, मेरी पार्टी में, मतलब मैं इसका पार्टनर बन जाऊँगा और गाइस हम लोग फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट अगर प्रेसिडेंट की मर्ज़ी हुई तो, क्योंकि हम लोग उसके पार्टी में कैंडिडेट है, मतलब उसके पार्टनर है, समझ रहे हो। अगर आपको इलेक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, जब प्रेसिडेंट मरेगा तो ही अपन लोग बन सकते हैं प्रेसिडेंट, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस, तो कोई बात नहीं। चलो यार फटाफट से ना लोकेशन की ओर निकलते हैं, जंगल की एरिया में, और वहाँ पर आपको मिलते हैं। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग जंगल वाले एरिया में आ चुके हैं, माउंटेन फॉरेस्ट के एरिया में। और ये लोग कह रहे कि यहाँ पर ही गए ना भाई, इधर ही कहाँ पर यूनिट वाले आए थे, एक यूनिट गया था बट वो भी वापस नहीं आया, फिर एक यूनिट को देखने के लिए गए, दूसरा यूनिट भी वापस नहीं आया, फिर अब हमारा तीसरा यूनिट ये मतलब एक स्क्वाड है। तो यार सबको बोल देता हूँ, तुम लोग सब लोग ना अलग अलग जाओ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो यार रात लग जाएगी, इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढेंगे, और जैसे मिलता है कॉल वगैरह कर देंगे गाइस। मतलब यार मेरे को मेरे ट्रेवर दोस्त को भी बचाना है, ठीक है ना गाइस, वैसे भी यहाँ पर ही कहीं होना चाहिए और मुझे लग नहीं रहा है गाइस। चलो यार मेरे पीछे कोई एक तो आ जाए भाई, चलो कोई एक तो वगैरह आ ही जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो दो के यूनिट्स पर मेरा सब कुछ बढ़ चुका है, और यहाँ पर ही कहीं होना चाहिए, जंगल एरिया है पूरा, आराम से आजा भाई आराम से आजा। तो ये ऐसा चल रहा है जैसे कहीं गार्डन में चल रहा है क्या? ऑल राइट, ठीक है भाई, जंगल एरिया में ना, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग सारे इधर से उधर जा चुके हैं, बस मुझे यहाँ पे कहीं सतर्क रहना होगा भाई, कोई निशान वगैरह मिल गया ना, और कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, नहीं ये क्या ही तो हिरन वगैरह मुझे लगा कुछ। ऑल राइट, ठीक है वैसे गाइस यहाँ पे लग रहा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इन लोग, ये लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं है वो कह रहा है, मतलब क्या भाई, लग रहा है ये लोग इधर आए नहीं है जंगल में, ये आर्मी वाले ना भाई ये फुल मजे मस्ती कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है गाइस, ये आर्मी वाले गाइस, ये जब तक प्रेसिडेंट ऐसा होगा ना तो भाई ये आर्मी वाले भी कुछ काम के नहीं रहने वाले, मतलब ये आर्मी वाले भाई सिर्फ खा रहे हैं पी रहे हैं एक जगह बैठ रहे हैं, नो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे एक सेकंड, मुझे कुछ वहाँ पर रेड वगैरह नज़र आ रहा है, और गाइस ये लोग चाइना की आर्मी से भी बहुत ज़्यादा ही डर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही गाइस, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ही मतलब फैल चुके हैं चाइना, मतलब ये आर्मी है ना लॉस एंजेलिस में, मतलब बहुत ज़्यादा है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और एक सेकंड, ये चाइना का ये फ्लैग है ना, वेट ये चाइना का फ्लैग लग रहा है मुझे तो लग रहा है ये चाइना का ही फ्लैग है, और ये यहाँ पर ये लग रहा है इन्होंने टेंट वगैरह लगवाया, मुझे तो ऐसे लग रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, वेट लेट मी चेक। हाँ गाइस मैंने सही सोचा, यहाँ पर ये देख रहे हो एक सोल्जर मुझे दिख चुका है चाइना का। यार फटाफट से ना मुझे आर्मी कमांडर कॉल करना होगा और सबको बुला लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना अभी सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो सब लोग मरेंगे, तो यार मुझे तो वो लोग मिल चुके हैं, और ठीक है फटाफट से मैं इनको कॉल करता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैंने सबको कॉल वगैरह कर दिया, वो लोग डायरेक्शन इधर आ ही रहे, और फटाफट से ना अब हम लोग डायरेक्ट उन पर भाई कुछ प्लान वगैरह बनाएंगे और अटैक वगैरह कर देंगे, और गाइस फिर ना फिर मज़ा ही आ जाएगा, समझ रहे हो, एकदम मज़ा ही आने वाला है। और अरे भेज किया, अरे तू सोल्जर के नाम पे क्या, अरे यार इसको पता है वहाँ पर बंदे हैं, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे गार्डन में खड़ा है यार, भेज किया कि स्नाइपर शॉट खा लिया इसने यार, इतना बेवकूफ आर्मी वाला बंदा यार ये, यार मैं खुद कवर में लेके खड़ा हूँ माइकल की सेंटा, और ये तो सादा इंसान मतलब आर्मी वाला भाई, कोई बात है ये चाइना वालों को मार देंगे भाई, उसने क्या स्नाइपर शॉट मारा कसम से, उसको लगा ये झाड़ियों में से उसको देखेगा नहीं, पर यार स्नाइपर वाले होते यार समझा करो, एक स्नाइपर गोली में बेचारा नीचे गिर गया। चलो हमारे आर्मी वाले भी बंदे आ चुके हैं, और गाइस ठीक है यार भाई बहुत कम नज़र आ रहे हैं चाइना के, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑल राइट गाइस ठीक है ऑल राइट सबको मारेंगे
ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, वेल डन गाइस, सबको 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 मारने वाले अपन लोग, पेंशन देने वाली कोई बात नहीं है। चल चल निकल निकल, तू भी निकल साला खोपड़ी का, चाइना वाले। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सारे के सारे बंदे आर्मी लिख दो तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और गाइस इनको ना सबको मारेंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पर होस्टेजेस वगैरह मेरे को नज़र नहीं आ रहे कोई भी, और एक टेंट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कुछ फ्लैग वगैरह रेड कलर के नज़र आ रही है, चाइना की है ना, वैसे से चाइना की। आप लोग ने मुझे कहा था ये चाइना की है, हाँ वैसे मुझे भी पता है बट फिर भी मैं पूछ लिया था। और एक सेकंड, ये तो छोटा मोटा टेंट है यार। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, एक सेकंड में इसकी आग, चल निकल निकल, चल निकल खोपड़ी के। ऑल राइट गया गाइस, ये भी गया। हॉस्टेजेस कहाँ पर है मुझे नहीं पता गाइस। एक और टेंट, एक सेकंड, ये देखो अंदर ही बैठा है। भैंस क्या क्या कर रहा है अंदर, मर गया भाई, कहाँ चला गया, वो ग्लिच हो गया कुछ। ऑल राइट गाइस गया, खत्म है। ये देखो भाई ग्लिच हो गया बिल्कुल ही, वो भी बात नहीं, होने दो ग्लिच, चलता है, बट साला मर गया वही बड़ी बात है। और यहाँ पर अपने होस्टेजेस वगैरह कहाँ पे, आर्मी भाई कमांडर, वेयर इज कमांडर, कहाँ पर है यार एक बार देखो, मुझे नहीं पता गाइस। चलो फटाफट से ना एक बार अंदर जाके देख लेता हूँ, क्या पता अंदर ही कोई हो। एक सेकंड यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है, बट जो अपने आर्मी के यूनिट थे वो कहाँ गए भाई, लगता है उनको मार तो नहीं दिया ना। चलो इसको खोल देता हूँ भाई, हेलो, पता नहीं यार, ये भी सादा ही घूमने के लिए आया था बंदा। ओके ओके, एक ही बंदा मिला, टोटल 40-50 होस्टेजेस थे गाइस यार, एक ही मिला है हमें तो भाई, दूसरे टेंट में देखना एक बार। ये कौन लोग, अच्छा ये लोग, ऑलराइट ये लोग सारा ना जगह वगैरह देखने के लिए आ गए थे, मतलब ठीक है, पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे हैं सब लोग, करो करो आराम से करो, इसमें भी कोई ना कोई होगा ज़रूर, इसमें भी कोई ना कोई होगा, आवाज़ तो आ ही रहा है। ऑलराइट इसको भी खोल देता हूँ, इसकी गर्दन का आग चली गई भाई, गर्दन यार मेरे को लगा घास में दिखाई नहीं है यार। अरे तुम लोग इतने ही हो या और भी है यार, ये अभी ना इनकी हालत मेरे को ख़राब लग रही है, बात करने की उसमें नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे को क्या गाली वगैरह दी इसने, पता नहीं। चलो इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं यार क्या सीन है और क्या नहीं है और आगे का क्या प्लान है वो वगैरह देख लेते हैं गाइस। एंड ठीक है चलो फटाफट से ना इनसे बातचीत वगैरह करते हैं। तो यार ये कह रहा है कि देखो अभी इनके ना बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हैं और बहुत कुछ, एक चाइना का बंदा है जो कि ये सब कुछ आर्मी हैंडल वगैरह कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे जैसे बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं, वो लोग कई और जगह पर हैं, उनको वो ले गए, मतलब ये तो अभी तीन ही लोग थे इनको ना काम वगैरह करने के लिए लोग रखा है, और बाकी के लोग जो आर्मी वाले उनको तो मार दिया है। शिट यार, मतलब वो कह रहे हैं कि वो लोग बचाने तो आए थे बट वो ही मर गए यार, कोई बात नहीं गाइस, हम लोग दिन के टाइम आ गए, बहुत अच्छा किया, वरना वो लोग ना रात के टाइम गए थे। और वो लोग कह रहे हैं कि सारे स्नैपर वगैरह ना इनको शॉट कर दिया है, अभी तो बहुत टाइम वगैरह हो चुका है यार। गाइस ठीक है कोई बात नहीं, अब आई देखो आगे का काम ये करने वाले ऑपरेशन, ठीक है मेरा कुछ काम नहीं है, मैं करूँगा ऑपरेशन, बट गाइस अभी अपने दोस्त को बचाना है। तो यहाँ पर आर्मी ऑफिसर आ चुके हैं, सब कंट्रोल में है, वैसे तीन ही हॉस्टेजेस पकड़े गए, आगे के लोकेशन तुम लोग देख लो। एक सेकंड, ये हम क्या कह रहे हैं भाई, ये मैडम कह रही है कि भाई, ये मैडम कह रही है कि देखो आप माइकल दी सेंटा हो तो प्लीज़ हमारा ना एक इंटरव्यू दे दो न्यूज़पेपर में, हम सबसे पहले न्यूज़ देते हैं, सबसे पहले मैं ही आया हूँ यार। अब क्या ही बोलूँ गाइस, यार मैं क्या बोलूँ गाइस, ठीक है मैं फटाफट से ना इंटरव्यू वगैरह देता हूँ एंड बोलता हूँ कि यार देखो मैंने जान वगैरह सबकी बचा ली है और इलेक्शन वगैरह भी आ रहे हैं तो सब लोग मेरे को वोट ज़रूर करना, और हमारी जो पार्टी है उसको भी ज़रूर वोट करना, और हमने तीन हॉस्टेजेस को पकड़ लिया है, और क्या ही बोले आगे भी जाके हम लोग बढ़िया काम करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और सबको नौकरियां वगैरह भी देंगे एंड बहुत कुछ करने वाले, तो वोट ज़रूर करना। तो यार ये कह रहा है कि आप ना चले जाओ, हम इनको हॉस्टेजेस को अपने अपने घर पहुँचा देंगे, ठीक है ऑफिसर आप इनको अपने अपने घर पहुँचा दो सही सलामत, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो चलो यार थोड़ी सी गाइस स्टाइल मारनी पड़ती है न्यूज़ वालों के सामने, वरना समझ रहे इज्जत बढ़ जाती है, ठीक है यार थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह हमने दे दिया, फोटो वगैरह भी खींच रहे थे पीछे से,
और यार चलो फटाफट से ना भाई, आप आरबी की गाइस कार में बैठ के जा रहा हूँ, मज़ा ही आ चुका है, फुल इज्जत मिल रही है यार गाइस, ठीक है ना। तो ये होती है गाइस मज़ा होता है, समझ रहे हो। तो चलो यार फटाफट से ना चलते हैं डगन बॉस के पास। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं डगन बॉस के आइलैंड के ऊपर। और चलो यार उसने क्या, उसने बोला है कि यार सारा का सारा पैसा ना रेडी है, जो कि 1 बिलियन है, जो कि हमें ट्रेवर की जान बचाने के लिए चाहिए। यार वो जो बॉस मास वाला बंदा है ना, है उसने किडनैप कर लिया ट्रेवर को। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। सो यार कोई बात नहीं, चलो फटाफट से। और ये रास्ते ऐसे है ना, मैं भूल जाता हूँ कहाँ से आना है कहाँ जाना है भाई। कोई बात नहीं, चलो एक सेकंड, मैं गलत रास्ते आ गया फिर से। ओके 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 ओके, कोई ना कोई ना, चलता है यार गाइस, चलते हैं। अपनी गाड़ी ऑफ रोडिंग है भाई, आरबी वाली है, और यहाँ पर अपनी टाइटन सिक्योरिटी है जो कि टक्कर बॉस की, जो कि यार एक नंबर का लुक है यार, मतलब क्या ही सिक्योरिटी है यार। मेरे को इसका लुक ना बहुत ही प्यारा नज़र आता है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ यार। चलो इधर टक्कर बॉस सिगरेट वगैरह पी रहा है। ओके ओके ओके, इससे बातचीत वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है, बात वगैरह करेंगे फिर आपको बताता हूँ। सिगरेट पी रहा है। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना हम लोग ने सारे के सारे बातचीत वगैरह कर लिए। और यहाँ पर देखो, इसने बोला है इसमें ना $1 बिलियन रेडी है और तुम अपने फ्रेंड ट्रेवर की जान बचा सकते हो। यार गाइस ये पैसा ना आपको याद होगा, हमने कल लोटे मतलब बहुत बड़ी वाली रोबरी वगैरह की, और एक अमीर बंदा जो था ना, जिसको किडनैप करना था, रोबरी नहीं करनी थी, वो उस बंदे को किडनैप करना था, बस उसी को उठाना था और उसको ब्लैकमेल करना था, जो कि बहुत बड़ा वाला ना ट्रेडर था, मतलब बिजनेसमैन वगैरह जो भी होगा, अपने को नहीं पता। बट चलो यार इसमें बैठ जाते हैं और फटाफट से ना भाई उसको कॉल वगैरह मैं करता हूँ गोस्ट मास वाले को, बट वो बंदा फ़ोन उठा ही नहीं रहा है भाई। फ़ोन उठा यार, मेरे दोस्त को बचाना है यार। कोई बात नहीं, ये सारा का पैसा ना अपने पास तो आ चुका है, बस यार वो बंदा फ़ोन उठा ले और मैं उसको ये पैसा दे दूँ और अपने फ्रेंड को छुड़ा लूँ ट्रेवर। यार कम से कम 4 दिन हो गए, कोई ना गाइस उसकी जान बचाएंगे। और फटाफट से अपन लोग निकलते अपने बनकर में, इसको रखना होगा क्योंकि ना अभी इसको लेके घूम तो नहीं सकते ना। तो यार जब तक हम लोग उसको ले जाए, आप लोग वीडियो को 1000 लाइक कर देना। और यहाँ पर गाइस देख रहा हूँ, इसमें रास्ते से जा ही रहा था। एक सेकंड, मेरे को कोई पुलिस वाले नज़र आ गए, पता नहीं यार पुलिस वाले क्या सीन है यार, भाई चेकिंग वगैरह ना कर ले भैंस की। यार क्या हो गया ऑफिसर, गाड़ी क्यों रोकती? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना पता ही है चेकिंग वगैरह चलती रहती है भाई, करती है, बट मैं तो माइकल हूँ ना। ये कह रहे हैं कि कौन माइकल, इसकी भैंस की आँख, माइकल नहीं पता। अरे भाई मैं चाइना के बंदों को हरा के आया हूँ भाई, इसको सारी की बातचीत वगैरह मैंने कर दी है। कह रहा है कि यार माफ़ कर दो सर, मुझे पता नहीं था, मैंने बस आपका नाम सुना है और आपका चेहरा वगैरह नहीं देखा है और आपके बाल भी ना कटे हुए हैं। भाई क्या यार, तू मेरा ट्रक चेक करेगा? अच्छा वैसे चेक नहीं किया, इतना सारा पैसा है ना भाई। ये होती है पावर गाइस, समझ रहे हो गाइस, ये होती है पावर। जब अपन लोग बनते हैं प्रेसिडेंट के फ्रेंड, तो जब सोचो अगर आप प्रेसिडेंट बन गए ना तो क्या होगा। तो यार चलो फटाफट से बन कर की और देखते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। ऑल राइट यार, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने सीक्रेट बनकर पे। और यहाँ पर रेट इंजा वगैरह भी होगा, उसको बोलते यार सही सलामत रखना पैसा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार रेट इंजा हमको धोखा देने वाला है। यार मुझे नहीं लगता यार उसने मुझे धोखा दिया है गाइस, क्योंकि यार बंदा अच्छा है वैसे, पता नहीं यार आगे जाके पता चलेगा यार कौन धोखा दे रहा है एंड कौन नहीं दे रहा है। वैसे तो पैसा जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सिर्फ इसी के पास थी, जो कि अपना जो पिछला गोल्ड चोरी हुआ ना। तो चलो कोई ना, अभी पता नहीं यार, ठीक है रेट नहीं जा रहे, तू क्यों बैठ रहा है? अरे चलो ठीक है बैठ जा यार, ऐसे बैठ रहा जैसे मैं चक्कर मार रहा हूँ कोई छोटे बच्चे को जैसे मारते हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, इसको अपने सिगरेट बंद कर पे सेफली इधर पार्क वगैरह कर लो, जब भी फ़ोन आएगा बॉस मास का फिर हम लोग ले जाएंगे और बहुत कुछ है। तो चलो एक सेकंड बराबर ना भाई, कोने वगैरह में बिठा दूंगा मैं। ओके ओके बहुत सही। ऑल राइट गाइस, ठीक है आराम से लेते हैं पीछे। ओके ओके बहुत सही काम गाइस, बहुत ही सही। ठीक है सब कुछ ना हो चुका है, इधर एक ही नंबर काम हो चुका है। अब
निंजा रेड निंजा से बात करते हैं कि यार जो पैसा वैसा चोरी हुआ है उसका कुछ मालूम चला क्या नहीं, एंड उससे बातचीत वगैरह करता हूँ। उधर मुँह कर लिया भाई, यार रेड निंजा कुछ पता चला है क्या, मतलब जो अपना गोल्ड वगैरह चोरी हुआ था कुछ पता चला क्या उसके बारे में? वैसे मुझे तो पता नहीं चल रहा है। गाइस ये कह रहे हैं कि यार मुझे खुद नहीं पता, हम लोग इसकी जो भी जांच है ना भाई सब कुछ लूँगा, जिससे मैंने कॉल किया था सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि मुझे एक बंदे पे बहुत ज़्यादा शक है, बट वो अभी नाम नहीं ले रहा है। यार नाम ले लेना, क्या हो गया? वो कह रहा है कि मैं अभी नाम ले नहीं सकता, वो तुम्हारे बहुत ही नज़दीकी है, नज़दीक का बंदा हो सकता है। भाई ये बंदा नज़दीक का बंदा तो भाई सिर्फ तू ही है, और कौन है? ट्रेवर है, वो भी बेचारा किडनैप है। तो यार ठीक है, एक काम कर, फटाफट से कार वगैरह लगवा दे। गाइस मैंने इसको बोल दिया कार वगैरह लगवा दे, मतलब ला ली थी इसने, वरना जाएंगे किससे भाई। और तुम लोग भी चलो मेरे साथ फटाफट से, क्योंकि ना मैंने इसको बोला है अपनी जो खैंग पैसे भाई वो उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए थोड़ा सा रेड निंजा को मैं सेंड कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ करेगा, समझ रहे हो? मतलब उनको प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे एंड ख़तरनाक बनवा देंगे, मतलब एक ही नंबर, मतलब ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनर बन जाएंगे। और ये चारों मिलके, तीनों मिलके ना इनको हमारी जो गैंग है उनमें स्ट्रेंथ लाएंगे और पावरफुल बनाएंगे। और ये कार भी एकदम मस्त चल रही है यार, इस पर लिखा भी है निंजा, कोई बात नहीं चलो। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने गैंग बेस पर, और एक सेकंड में ज़्यादा ही आगे आ गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही हम लोग ना आगे आ चुके हैं। ऑल राइट गाइस, ठीक है लेट्स गो, फटाफट से इधर से चलते हैं। और ठीक है अपनी आपको मैं न्यू गैंग दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, आप लोग ने जो बोला था ना भाई, आप लोग ने जो बोला था बिल्कुल वही मैंने आपकी डिमांड पूरी की है। आपने जो बोला था भाई हमको ये वाला कस्ट्यूम डिज़ाइन पसंद है गैंग बेस का, कुछ लोग ने बोला एक नंबर वाला पसंद है, कुछ ने बोला चार नंबर वाला। सो गाइस आपको पता है इतने ज़्यादा डिमांड आ रहे थे ना, ये अपना एक नंबर वाला बंडल था आपने बोला था, तो गाइस मैंने क्या किया, ये जो बंडल है ना जो भी अपने पुराने गैंग के बंदे थे, मतलब जो रियल गैंग है अपनी रेड स्कल, अब उसका नाम वैसे चेंज हो गया, रेड किंग्स मैंने रख दिया है, तो जो पुराने बंदे होंगे उनको हम लोग ये वाला ड्रेस देंगे, और जो नए नए बंदे आ रहे हैं हमारे गैंग में उनको हम लोग एक दूसरा ड्रेस देने वाले, जो कि बहुत सारे लोग ने मुझे वो भी बोला था कि वो वाला ड्रेस दे दो। तो एक सेकंड पहले से बातचीत कर लूँ, ये कह रहा है कि यार देखो हमने ठीक है ओके, ये कह रहे हैं कि आज ना पार्टी वगैरह भी चल रही है, कुछ लोग नाच रहे हैं, और ये इसको मैं हेड बनाना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया काम करता है। भाई तूने कपड़े नहीं पहने क्या भाई, ज़्यादा ही लीडर बन रहा है क्या भाई? चल ठीक है कोई बात नहीं, पहन लेना कपड़े बाद में, भाई इसको अलग से नए कपड़े बना के दे देंगे। हाई साहब कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, अभी तक उठाया नहीं यार ये। और आपको ना शो करेंगे गाइस जो हमारे न्यू गैंग मेंबर्स आते हैं उन्हें कौन सा कपड़ा देने वाले हैं। तो यार ये देखो गाइस, आप लोगों ने ये भी पसंद किया था चार नंबर वाला, तो गाइस जो भी हमारे न्यू गैंग में आएगा उसको हम लोग ये दे देंगे, और जब ये पुराने हो जाएंगे तो हम लोग उनको एक नंबर वाला ड्रेस दे देंगे, समझ रहे हो? मतलब उनमें भी हम लोग लेवल वगैरह लगवा दिए, ये लोग भी डांस कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी डांस कर दूँ, ये लोग खुश हो रहे हैं। और ये पूरे के पूरे वेगस गैंग के बंदे, ओके ये पूरे के पूरे वेगस गैंग के बंदे हैं गाइस। और बालास के बंदों का मैंने क्या किया आपको दिखाता हूँ। बालास के बंदों ने हमें धोखा दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था यार, मुझे दिल से बुरा लगा, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। और ये वेगस के बंदे इनको हम लोग ने अपनी गैंग में ले लिया और इन्हें कपड़ा दे दिया है, ये चार लेवल एक लेवल का कपड़ा बोल सकते हो, आगे जाके इनको ये नया लेवल के कपड़े मिल जाएंगे जो कि रेयर होंगे, मतलब जो ओल्ड वाले गैंग होंगे उन्हीं को मिलेगा। सो ठीक है, और ये लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं डांस छोड़ के, तो इन लोग को सलूट है यार, ऐसे ना मस्त बैगी काम करते रहो और बॉडी वगैरह बनवाओ और अपने गैंग में बढ़िया बढ़िया तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे और लेवल भी तुम्हारे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारे कपड़े वगैरह भी अपग्रेड कर देंगे गाइस, ठीक है ना? तो ऐसा वाला मैंने सिस्टम किया है। फिर इससे क्या होगा ना, ये लोग की बढ़िया से प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और बढ़िया से जो करेंगे उसको बढ़िया ड्रेस देने वाले। और गाइस जो अपना आपको मिला था ना वो बंदा, उसको हम लोग बढ़िया वाला ड्रेस में उसके लिए भी कराऊंगा जो कि हेड होगा। सो गाइस ठीक है, और गाइस जो अपने गद्दारी के जो लोग हैं ना, जो बालास जिसने मुझे धोखा दिया यार, मतलब झूठ बोला कि यार लॉस गैंग आपके दुश्मन वगैरह है, वो लोग मेरे को दुश्मन है, और वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दुश्मन है ना उनसे भी मिला हुआ है,
भाई यार पता नहीं क्या क्या मेरे को आज धोखे वगैरह इतने मिल रहे हैं ना गाइस, कसम से बोलूं तो यार ठीक है यार, यहाँ पर ये लोग भी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार। पुशअप वगैरह मारो, बढ़िया मारो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग हमारे निंजास लेंगे, आज के दिन कर लो जैसे करना है कर लो। और भाई ये लोग हमारी गैंग ज्वाइन करेंगे और गद्दारी करेंगे। वाह बालास वालों, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। ये बालास गैंग के जो निकले हुए बंदे ना, ये वही है, मतलब बालास गैंग वैसे जो है ना वो ऐसे हमारी मतलब पेमेंट तो वो हमको कर रहे हैं हर महीने, हमको पैसा देने वाले वो लोग, आपको बताया डील हुई थी पिछले वीडियो में। बट ये लोग निकले हुए, मतलब ये बालास से निकले हुए बंदे हैं, मतलब ये धोखा वाले, ये किसी भी टीम में रहने के लायक नहीं है, ना ये बालास में ना ही हमारे गैंग में, तो मतलब इनको ना यही चाहिए। चलो सालो तुम लोग हमारे गैंग तो छोड़ो, बालास गैंग में भी तुम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब पैसों के लिए वो लोग बालास गैंग छोड़ दिए और मेरी गैंग में आ रहे हो सालो, और यहाँ पे भी छपरी चाले सिगरेट वगैरह पी रहे हो, और ये देखो इसको मारूँ ना इसलिए बंदा देखो क्या कर रहा है। साला छपरी तेरे को तो मैं, ये देखो चल निकल। और इनको तो भाई थोड़ा सा ना, ओ भाई क्या ही मारा, वो तो नीचे गिर गया। सालों को उड़ा दो गोली से, इंकाउंटर कर दो सालों का, ये भाग रहे गोली मार साले को, चल निकल। सालों का सबका इंकाउंटर करना चाहिए था, बट जाने दो यार, पुक्के से मार दिया। और इसको क्यों नहीं छोड़ा, इसको क्यों नहीं मार रहे हो, फायर कर दो, फायर कर दो, 1 2 3। भाई ये बंदा वैसे अच्छा लग रहा था यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, वैसे ये बंदा ना प्रयाम कर रहा था, पता नहीं क्या कहते उसको नीचे बैठ के ना। ऑल राइट ठीक है चलो यार गाइस, सब लोग ना भाई देख रहे क्या हो गया भाई, जो गद्दारी करेंगे ऐसे ही मरेंगे, सब लोग देख लो ठीक है ना, गद्दारी नहीं करने का है, गद्दारी करोगे ऐसे मौत मरोगे यार। ये लोग सबको मार दिया, मेरी गैंग ज्वाइन करोगे और मतलब क्या ही बोले। ठीक है यार, सबके ना बैंड वगैरह कर दिया है, और आगे जाके हम लोग गैंग का बेस बहुत बड़ा करने वाला है और बहुत बड़ा वाला एम्पायर खड़ा करेंगे। और ठीक है रेड निंजा को बोल देता हूँ यार, तुम लोग ना इनको बढ़िया वाली ट्रेनिंग वगैरह दे दो, ठीक है यार। और सुन तेरे लिए भी बढ़िया सा ड्रेस ला दूंगा, टेंशन मत ले, तू यहाँ का हेड है, ये बंदा पहले से हेड है गाइस, ठीक है ना, जब अपनी पुरानी गैंग थी आपने देखा होगा, तो यार टेंशन मत ले, तेरे लिए भी एक बढ़िया सा ड्रेस सिलवा दूंगा, इसने पहना नहीं भाई। ठीक है यार, इसके लिए ना एक बढ़िया सा मतलब लीडर वाला ड्रेस पहनवाएंगे, एक बढ़िया सा गाइस, इसको कमांडर वगैरह तो ये पहले ही है, सब कुछ हैंडल करता है। ऑल राइट यार, इसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, बेचारा बहुत कुछ करता है ये, एंड बहुत कुछ तो भाई शक्ल से लग नहीं रहा ये बहुत कुछ करता है, बट ठीक है यार करेंगे यार, टेंशन मतलब पैसा है तुम्हारे भाई के पास। एंड भाई लोग अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे लिख दो गैंग ओपी, तो मेरे को समझ आएगा मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो चलो यार अभी बॉस मास्टर को कॉल करता हूँ और अपने ट्रेवर फ्रेंड को ना भाई उसकी जान वगैरह बचाता हूँ। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं हमारे सीक्रेट बनकर की ओर, और यहाँ से फटाफट से ना हम लोग सारा का सारा पैसा जो मैंने रखा है वो लेके जाते हैं अपने दोस्त को बचाने के लिए। गोस मास वो सैंडी एयरपोर्ट पे आया हुआ है, वो कह रहा है कि फटाफट से उधर आ जाओ, और मैंने भी अपनी सिक्योरिटी को गाइस कॉल करना है, फटाफट से उनको भी कॉल कर देता हूँ। अपनी जो RSVPG सिक्योरिटी है ना भाई, वो भी वहाँ से बहुत ही नज़दीक है, और गाइस चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको भी बोल देता हूँ तुम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाओ, वरना मैं अकेला तो जाने वाला तो हूँ नहीं गाइस, वरना वो लोग मेरे को ट्रैप वगैरह कर देंगे। ऑल राइट गाइस, मैंने सारी अपनी RSVPG सिक्योरिटी को भेज दिया है, बोल दिया कि यार फटाफट से तुम लोग वहाँ पे चले जाओ, मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, और वहाँ पे ट्रेवर सब कुछ है। तो चलो यार सारा का सारा जो पैसा है ना गाइस फटाफट से ले जाएंगे सैंडी एयरपोर्ट पर। और गाइस आप लोग को पता है गाइस, वीडियो थोड़ी सी छोटी है, वरना लंबी वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है 13 और 14 तारीख को। सो यार गाइस मैं अगले 3 दिन फुल बिजी रहने वाला हूँ, और चैनल पर आई थिंक दूसरे वीडियोस भी आने वाले, प्रमोशन वाले वीडियोस, मतलब गेम वाले नहीं आएंगी, मतलब गेम वाली तो आती रहेंगी, बट कुछ वीडियोस ऐसे आएंगी जो कि मेरी नहीं होगी। सो यार डरने वाली कोई बात नहीं, वरना तुम लोग समझोगे मेरा चैनल वगैरह हैक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो प्रमोशन वाले वीडियोस आएंगे एंड बस मेरा पेपर ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग गाइस बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं, दूसरे भी खेलने वाले हैं, एंड तो उसके लिए वेट ज़रूर करना बस 14 तारीख तक। एंड फिर भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब पेपर है और मैं एग्ज़ाम मतलब वीडियो डाल रहा हूँ, आज 12 तारीख है और कल मेरा पेपर है। सो कोई बात नहीं आपके लिए कुछ भी। सो यार चलो फाइनली गाइस हम लोग ना यहाँ पर आ चुके हैं सैंडी एयरपोर्ट पर, और चलो यार फटाफट से इधर ना सब लोग आए हुए गाइस, हमारी जो सिक्योरिटी है RSVPG
भाई वो भी आए हुए हैं, बहुत सही। ऑल राइट गाइस, ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। एंड चलो 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 गाइस फटाफट से ना अब ये सारा का सारा पैसा इनको दे देते हैं। और ड्राइवर को भी उन्होंने किडनैप करा हुआ है यार, दोस्त अपना दोस्त शेड मैन यार। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी करके इसकी जान बचा ही लेंगे। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एंड फटाफट से ना भाई पैसा वगैरह। और एक सेकंड, ये हैकर गाइस, ये हैकर गल है, ये तो रेड स्कल जो अपना बंदा है ना, गैंग लीडर जो मर चुका है वो यार। और ये बालाज गैंग का बंदा बहस किया, ये कह रहा है कि फटाफट से पैसे दिखा। यार क्या चल रहा है गाइस, इतने सारे धोखे एक ही दिन में। यार ठीक है भाई, देख लो पैसा वगैरह देख लो भाई, इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। यार ये हैकर गल जो है ना, ये अपनी गैंग लीडर की हैकर गलती अपनी वाली नहीं है। यार क्या लड़की है यार, मतलब थोका दे दी भाई। पैसे वगैरह चेक कर लो और हमारे ट्रेवर को दे दो यार, पूरे 1 बिलियन है, गिनते बैठो, जहाँ गिनना है गिन लो, बट ट्रेवर को वापस कर दो। यार ये उम्मीद नहीं थी यार ये हैकर गर्ल से, भाई इतना दिमाग तो था इसके पास, बट छोड़ो यार। अब क्या बोले यार गाइस, क्या ही बोले। चल यार ट्रक वगैरह सर का फटाफट से ले लो भाई, ऐसे चल रहा है जैसे भाई कहाँ का डाउन वगैरह बन गया, देख रहे हो। अरे इतने आराम से चल रहे हैं भाई, तू क्या भाई प्रेसिडेंट वगैरह थोड़ी ना है, कसम से ना भाई ज़्यादा ही। अरे भैंस क्या पैर आ जाएगा मेरा यार, क्या ही गाड़ी चला रहा है छपरी यार, क्या छपरी बंदा है यार कसम से, मतलब मेरे को उड़ा दिया भाई। वो लोग पैसे लेके तो चला गया, अब ट्रेवर यार गोस्ट मास कुछ तो बात कर ले यार। भाई ट्रेवर को छोड़ दो अब, देखो मैं इधर फाइट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, उसने मुझे बोला था। और भाई देखो हम भी कोई फाइट वगैरह नहीं करने वाले, देखो वो जा रहा है भैंस क्या हैकर गल को पटा लिया क्या भाई, सबको खरीद लिया इस बंदे ने यार, सबको खरीद लिया। पता नहीं ये बंदा गाइस, मेरे को बोल रहा था लेस्टर कि ये बंदा ना भाई ज़्यादा ही गाइस भाई मिसगाइड करता है, बहुत गंदा वाला मैनिपुलेट करता है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला, और लोगों को अपने वश में ले लेता है। पता नहीं इसके पास कोई जादुई पावर है क्या भाई। ठीक है यार ये कोई भी डोंगी वगैरह होगा गाइस, मुझे नहीं पता कुछ क्या करता है। चल ट्रेवर यार आ जा फटाफट से, आ जा यार बहुत दिनों के बाद, चल मिलते गले। अरे क्या हो गया ट्रेवर, हेलो। अरे ट्रेवर क्या हो गया यार, नाराज़ है क्या। अरे यार ट्रेवर कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ना ही मिला ना ही बात कर रहा है, एटलीस्ट हाथ तो मिला ले, मतलब एटलीस्ट बात तो कर ले। अरे हुआ क्या यार, ट्रेवर इतना गुस्से में नज़र आ रहा है, इसका चेहरा देखो यार। एक बार बातचीत ही कर लेता हूँ यार, तेरे को टॉर्चर वगैरह किया गया क्या, तेरी ज़बान तो नहीं काट ली ना यार, हुआ क्या है ट्रेवर तुझे यार, इसके आँखें मतलब देख रहे फुल गुस्से में। एक सेकंड भाई, ये क्या था भाई, सबको मार दिया सबको मार। अरे क्यों मारा भाई यार, मारना नहीं था। एक सेकंड गाइस, हमने नहीं गया गाइस, अच्छा 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 भाई वो छपरियों ने हम पे गोली मारी, इसलिए इन लोग ने गोली मार दी भाई। आपको पता है आर एस बी पी जी सिक्योरिटी के सामने कोई नहीं टिक सकता, ये सिक्योरिटी के पास हाईटेक वेपन्स है भाई। एक सेकंड में सबको मार दिया भाई, वो लोग ने धोखों से हमारे दो लोग को मार दिया, देख रहे हो, इसलिए हमारे लोग ने उनको मार दिया। चल गए इसकी आग निकल, साले कमीने कुत्ते लोग, मतलब फायर कर रहे थे मेरे पे ये लोग, इसलिए हमारे आर एस बी पी सिक्योरिटी ने। अरे ये कौन है भाई, अरे ओ भाई क्या मारा है यार कसम से, वो मोटे को देखा आप लोग ने भाई, उसके पीछे से क्या ही मतलब भैंस किया गाइस। ऑलराइट यार सारे के सारे हम लोग बैठ गए गाड़ी में और फटाफट इधर निकलते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। और भाई ड्राइवर कुछ बात वगैरह नहीं कर रहा है बिल्कुल भी यार, मुझे नहीं पता क्या हुआ है ड्राइवर को यार, कुछ तो बात कर ड्राइवर, हुआ क्या कुछ तो बोल। लाइक मुझे लग रहा है ना इसको ज़्यादा ही टॉर्चर वगैरह किया है यार, ये बंदा बीमार हो गया। एक सेकंड, ये पीछे से कोई आवाज़ आ रही है मुझे तो, पता नहीं यार कुछ हो रहा है क्या पीछे।
यहाँ पे रेसिंग वगैरह लगी है क्या यार? चलो रेस वगैरह देख के गए। अरे अरे भाई गोली चला रहे ये लोग यार, ये स्पोर्ट्स कार में कौन अटैक करता है? हेलो, ये रेस कर रहे थे क्या? ये क्या हो रहा है? वेट भाई, गाड़ी भगा भाई गाड़ी। अरे भाई छोट बैन यार, इतने सारे। अरे 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 भाई क्या हो गया? हेलो, इतने सारे स्पोर्ट्स कार में अटैक कर रहा है, कौन है ये पैसे वाला बंदा? इतने पैसे किसके पास आ गए यार? लोन मैन, ये क्या है? कोई बात नहीं यार, आ जाओ भाई भाई, आ जा तू, आ जा, कोई बात नहीं। अब तेरे को दिखाते हैं हमारी जो व्हीकल है यार और इसमें क्या डिफरेंस होता है। भाई तुम्हारी व्हीकल में स्पीड ज़्यादा होती है, बट ये वाली स्पीड में भाई पावर होता है जो कि सिर्फ वार में काम आता है। तुम्हारी जो कार है ना भाई सिर्फ रेसिंग के लिए आती है और दिखावे के लिए होती है, बट ये जो है ना भाई ये बुलेट प्रूफ वगैरह होती है एंड इसको कोई फोड़ नहीं सकता। ये देखो यार, चल निकल इस खोपड़ी के, चल निकल निकल निकल, पलटी मार फालतू का ना दिमाग खराब कर रहा है। ये तो इतने सारे कहाँ से आ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट ये लोग कोई गैंग के बंदे लग रहे हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट ये क्या चल रहा है आज? बिल्कुल ये अजीब अजीब चीज़ें हो रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, इनको इनकी औकात दिखाई देंगे और इनको मार के दम देंगे। ओके ओके, ठोको 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 ठोको, साले मोटे चल निकल। अरे तू भी आ गई भाई, बीवी है दोनों आ चुके हैं, बच्चे भी नहीं आता साथ में, वो खत्म है। अरे पीछे सिक्योरिटी ने फेल दिया यार, एकदम फेल की रख दिया है, ख़त्म कर दिया भाई, काम ही ख़त्म कर दिया, गया गाइस, गेम ओवर है। ये देखो आर एस पी पी जी का पावर यार, हाईटेक फोन है, मजा आ चुका है कसम से यार। मुझे गोली कौन मार रहा है? तो मार कौन रहा है? चलो इसको मार दिया, पता नहीं कौन फायर कर रहा है भाई, कोई तो है वापस इधर। चल 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 निकल, फायर ब्रिगेड वाले तुम क्यों आ गए? सालो जब आग लगती तब आते नहीं हो, जब मेरा घर जला था जब तो आए नहीं, तो यहाँ पर इतनी सी छोटी सी वो हो गई तो आ गए भाई। पूरे सुपर कार है यार, कम से कम बेस डालते ना, पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए यार। ट्रेवर अभी भी कुछ नहीं कह रहा यार, ट्रेवर यार कुछ तो बोल दे यार, ट्रेवर कुछ कर दिया क्या इन लोग ने? अरे ट्रेवर कुछ तो बोल यार, ये लग रहा है इसके मुंह में कुछ हो गया है पता नहीं। अरे बैठो यार, मैं तो देखा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बेचारे का लटक गया था ये। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, बैठ जाओ यार, तमाशे ना करो यार, मैं चला जाऊंगा कसम से बता रहा हूँ। ये पता नहीं स्पोर्ट्स कार एक भी नहीं छोड़ी तुम लोग ने, कम से कम तुम ही ले लेते और बेच के बढ़िया सा पैसा कमाते। कोई बात नहीं यार, अब इसको थोड़ा सा आराम वगैरह की ज़रूरत है मुझे तो लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको फटाफट से ना आराम वगैरह देते गाइस, मुझे लग रहा है ये बीमार हो चुका है और इसको ज़्यादा ही मारा पिटा है लग रहा है। ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, इसको ना थोड़ी सी आराम की ज़रूरत लग रही है मुझे, और अपने मेंशन पे ले जाते। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं हमारे आर एस बी पी जी सिक्योरिटी के मेंशन पे, जहाँ हमने ये वाली सिक्योरिटी रखी है। यार कुछ बोल ही नहीं रहा है बेचारा बंदा यार, लग रहा है ना इसको बहुत मारा पीटा है, बट जख्म नज़र तो नहीं आ रहा है, लग रहा है अंदर से कुछ टॉर्चर वगैरह किया है, आई डोंट नो गाइस। ठीक है यार चलो भाई, बंदा कुछ ना ही बोल रहा है ना ही। अरे सॉरी सॉरी, सब नीचे गिर रहे हैं यार, तुम लोग ऊपर खड़े क्यों यार? कसम से WTF कर देते यार, पूरा वीडियो ही ख़राब कर देते हो। ठीक है कोई बात नहीं गाइस, चलता है इतना तो चलता है। ये देखो यार, इतना डर रहे हो, तुमको ठोक तो नहीं रहा हूँ, सलमान खान थोड़ी ना हो जो ठोक दूंगा यार। ऑल राइट ठीक है यार गाइस, यहाँ पे ना अब इन लोग को बोल, अब कुछ इसको आराम वगैरह करवाता हूँ यार, ट्रेवर वगैरह को। यार ट्रेवर हुआ क्या है? ये देखो टार्जन कैसे उड़ रहा हूँ मैं। तुम लोग चले जाओ यार, लग रहा है ना तुम्हारे वैसे बात नहीं कर रहा है, चलो तुम निकलो यहाँ से। क्या ट्रेवर अब तो बता दे, सब तो चले गए अब तो बता दे यार, बेचारे को हुआ क्या है? ऐसे लग रहा है अब क्या बोलो, ऐसे लग रहा है बवासीर हो गया बेचारे का, सब तो चले गए, देख दे रहे वैसे कितने दूर भेज दिया मैंने, अब क्या इनको पूरा मैंशन से उड़ा भेज दो क्या बाहर? यार हुआ क्या है, चल गाड़ी में बात करते हैं ना यार, मैंशन बैठ आराम से भाई, खा पी भाई। बंदे को पता नहीं क्या हो गया गाइस, लग रहा है बंदे को कुछ
भाई गलत काम तो नहीं हुआ है ना इसके साथ में? मुझे नहीं पता यार, यार कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड यार चलो ना इसको कुछ घुमा के लाता हूँ एंड वगैरह वगैरह, इसको मैं लग रहा ना कुछ घुमा के लाना होगा। भाई ये कह रहा है कि मुझे ना बीच पे ले चलो। बीच पे ले चलो? अरे तुम लोग मत आओ, तुम लोग मत आओ यार, ये कह रहे कि मुझे अकेले जाना है। भाई ये लोग फाइट रहे थे यार, कसम से एक बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। ये कह रहा है कि मुझे बीच पे जाना है। अरे बीच पे जाना है यार, बीच पे जाके करना क्या है तुमको? यार ये ड्राइवर ना बहुत फनी है यार, कभी गुस्सा कभी फनी, मुझे समझ नहीं आता है बंदा है कि क्या है यार इसको अभी। ये देखो नीचे गिर गया वो। क्या यार इसको बीच में जाके करना क्या, तुझे नहाना है क्या? ठीक है यार गाइस इसको बीच पे ले जाता हूँ। और राइट यार गाइस मैं नज़दीकी बीच पे आ चुका हूँ, पर ठीक है यार इसको भी कहीं ना कहीं बेचारा लग रहा है ना, इसको किडनैप किया था इतने दिनों से, लग रहा है इसका माइंड जो है ना भाई वो कुछ हुआ होगा, पता नहीं मुझे नहीं पता जो भी हुआ है इसके माइंड को, और ठीक ठाक कर देंगे इसके एंड फटाफट से ना। चलो ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट गाइस, फटाफट से यहाँ पर हम लोग इसको बीच पे तो ले आए। किसको देखना है? इनको देखना है क्या? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, किसको देखेगा भाई, किसको देखना है वो तो बता दे। ऑल राइट ठीक है यार, तो उतर जा, अब तो उतर जा गाड़ी से, तो उतर जा यार, अब कैलोरी सुना दो तुझे। क्या भाई कुछ हुआ ही नहीं, लग रहा है ये पागल हो गया है गाइस। यार इधर आजा, तेरे को कुछ दिखाता हूँ, आजा आजा यहाँ पर चलते हैं, चल आजा कुछ यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ देखिए भी क्या ही बोलूँ यार। ठीक है ऑल राइट गाइस, ये देखो यहाँ पर बीच वगैरह देख तू देख। अरे अरे भाई क्या हो गया भाई, मार क्यों रहा है? What the hell man? अरे मार क्यों रहा है ड्राइवर में? अरे अरे क्या हो गया, मार क्यों रहा है? अरे अरे यार भाई क्या हुआ, क्या भाई मैं मारना शुरू करूंगा ना, सच बता रहा हूँ भाई जान से मार दूंगा। तो यार हुआ क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मारे जा रहा है मारे जा रहा है। ये देखो यार मारे जा रहा है यार गाइस, कसम से खत्म है यार। ड्राइवर क्या करता है यार, क्या हुआ क्या है तुझे? यार मैं मारना शुरू कर दिया ना गाइस, कसम से बता रहा हूँ। ये ले चल निकल, एक पुक्का मारा बट जाने दो यार, इसको मार गन निकाल के मार सकता हूँ। अरे यार भाई ज़्यादा ही कर रहा है गाइस, ज़्यादा ही हो रहा है इसका। आपको यार अब तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी इसके वजह से, साले को मार दूँ क्या गन निकाल के बोलो यार। बट यार इसके लिए तो इतने $1 बिलियन यार मार क्यों रहा है, कह रहा है गाइस वो मुझे कह रहा है कि तू बहुत बड़ा वाला थर के इंसान है। भाई मैंने क्या किया यार, धोखा किया है भाई, मैंने नहीं किया धोखा यार, मैं तेरे लिए कितने काम कर रहा हूँ यार। ये क्या हो गया, अब किसी ने मेरे को स्टन गन से मार दिया, अब मारा नहीं है भाई स्टन कर दिया है, मतलब झटका दिया है बिजली वाली गन से। भाई ये कह रहा है कि तू सिर्फ लड़की के लिए मतलब, और बहुत बड़ा वाला सेल्फिश इंसान है यार। भाई बात तो सुन लेता, मैं तेरे लिए कितना काम किया हो यार। ये देखो यार पूरा स्टन गन से मेरे को करंट दे रहे हैं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ पा मतलब हाथ पैर जो भी ना सब कुछ ढीला कर दे रहे हैं ये लोग। तो ये गोस्ट मास से तो मिल चुका है यार, बहुत बड़ी वाली गलती की तूने ट्रेवर, ये तू ठीक नहीं कर रहा है, ये तूने बहुत गंदा वाला काम किया है यार। मुझे भागना पड़ेगा गाइस, अब मेरे को भागना ही पड़ेगा, बट पूरे हाथ पैर ढीले कर दिए। ट्रेवर तूने बहुत बड़ी वाली गलती कर दी, तूने उससे हाथ मिला के ना भाई अपनी दोस्ती जो थी यार मैंने वो तोड़ दी, मतलब तेरे लिए मैं 1 बिलियन कैसे भी करके लाया हूँ, इतने कुटाने किया हूँ
कितने पापड़ बेला हूँ और मुझे दोस्ती का नतीजा ये दे रहा है तू? भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलने वाला ये चीज। ऑल राइट गाइस, अब इन्होंने मेरे को बांध दिया है और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब इनके गैंग का ये जो साइन है घोस्ट वाला, भाई देखो कह रहे कि शांति वगैरह सब कुछ मिलेंगे, यहाँ पर सुकून मिलेगा और सबका बदला लिया जाएगा और दुनिया जो है ना भाई सही रास्ते पे चलने लगेगी। भाई पता नहीं क्या ये बंदा जादूगर है, भाई ये ढोंगी है, मुझे खुद नहीं पता भाई इसको क्या दौरे वगैरह आते हैं। और ये ट्रेवर को भी पता नहीं मैं एलिमिनेट कर दिया पूरा का पूरा, और क्या ही सस्ते नशे चल रहे हैं इनके, कसम से यार गया भाई गया यार। ट्रेवर तू तो गया मेरे हाथ से, तेरे को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, बहुत हो गया तेरा। तेरे को मैं भाई जैसे बहुत कुछ दिया, तेरे को घर दिया गाड़ी दिया, और ये हंस रहा है, ये कह रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अब आगे आगे देख तेरे लिए एक और सरप्राइज है। भाई क्या एक और क्या सरप्राइज है गाइस, ये कह रहा है एक और सरप्राइज है तेरे लिए, ये कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि तुम सब लोग सेल्फिश हो और अब ये दुनिया ना अब सही लोगों के हाथ में आ चुकी है। एक सेकंड, वेट 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 यार, ये तो मिस्टर के अपना अपनी जो सबसे पहली वाली सिक्योरिटी भाई KSPG सिक्योरिटी यार, ये कह रहा है कि तुम भी बहुत बड़े वाले सेल्फिश हो। यार लोग मुझे सेल्फिश क्यों कह रहे हैं, ये कह रहा है कि तू हमें भूल गया, हमने तेरे लिए इतना काम किया, तेरी जान बचाई और तू रेड निंजा के पीछे घूमते रहता है और हैकर घर के पीछे घूमते रहता है, और हम तेरे पुराने दोस्त और ये ट्रेवर हमें तू सब भूल गया, सब तू भूल जाता है, बस जब तुझे कुछ न्यू मिलता है तो तू उसे पकड़ लेता है और जो पुराना होता है उसे यूज़ करके फेंक देता है। यार नहीं हो सकता है गाइस, इतना दुख। हैकर गर्ल जो गैंग की थी उसने भी धोखा दिया, बालास ने धोखा दिया, के ने धोखा दिया, ट्रेवर ने धोखा दिया, और गाइस क्या इसी है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये लोग इसके बातों में कैसे आ सकते हैं। मैनिपुलेट कर दिया इसने, मैं तो सब कुछ फुल ट्राई किया मेरा इनको बचाने के लिए, और ये कह रहा है कि तुम हमें पैसे भी नहीं दे रहे हो, तुमने जबकि सबको गिफ्ट किया, निंजा को गिफ्ट किया, हर चीज़ दी बट हमें कुछ नहीं दी, हमें तो ऐसे ही लापरवाही की तरह मतलब हमने। यार गाइस तो यार आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, आप लोग तो धोखा मत दो। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैट पे लिख दो धोखा, तो आप लोग धोखा मत देना और लाइक कर देना, और 1000 लाइक चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आने आएंगी, लेट आएंगी बट मेरा एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख तक, तो मैं आज से कुछ करने वाला नहीं हूँ, बस एग्ज़ाम की पढ़ाई करने वाला हूँ। सो गाइस थोड़ा सा लेट आएगा वीडियो तो समझा करना, बहुत गंदा वाला स्कैम हो चुका है गाइस, ये मैंने कभी नहीं सोचा था ये दिन भी मुझे आज देखने को मिलने वाला है। ठीक है यार चलो गाइस आज के लिए इतना ही, और मैं करता हूँ मेरी स्टडी और आप लोग भी।